ये कहानी ठरक के आग की है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। इस फिल्म की शुरुआत होती है और एक खूबसूरत लड़की अपने डॉग को लिए एक डीलरशिप के अंदर जा रही है। इसे जाते हुए एक शख्स देखता है, इसका नाम हैरी है। हैरी भी इसी डीलरशिप में काम करता है। जब वो नई लड़की को डीलरशिप के अंदर जाते हुए देखता है तो वो यहाँ पहुँचता है। एक शख्स जो कि कार देखने आया है, बातों बातों में हैरी ने ये कार सील कर दी है। इस डीलरशिप का ओनर है हर्षा। हर्षा हैरी से खुश नहीं रहता, पर जो कि हैरी इस डीलरशिप में बहुत सारी कारें सील करवा देता है, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता। गर्मियों का मौसम चल रहा है। ग्लोरिया ने हाल ही में एक कार सील की थी एक शख्स को, उसका नाम फ्रैंक है। हर्षा ग्लोरिया से कहता है कि वो जाकर उससे पेमेंट ले आए, उसकी पेमेंट काफ़ी महीने से डिले है। जब हैरी ऑफिस आता है तब हर्षा हैरी को भी उसके साथ जाने को कहता है। हैरी कहते हैं कि उसका काम कारें बिकवाना है, पैसे वसूलना नहीं। पर जब वो इस खूबसूरत लड़की ग्लोरिया को देखता है तब उसके साथ जाने को तैयार हो गया है। दोनों फ्रैंक के यहाँ पहुँचते हैं। फ्रैंक के पास पैसे नहीं है, फ्रैंक के घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये यहाँ से ले जा सकें। इतना में फ्रैंक आता है। फ्रैंक ग्लोरिया से बड़ी बदतमीजी से पेश आता है। इनकी बातों से पता चलता है कि फ्रैंक कार तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला और ना ही वो पैसे देने वाला है, यहाँ तक कि वो किसी बात के लिए ग्लोरिया को ब्लैकमेल भी कर रहा है। इस तरह ग्लोरिया और हैरी यहाँ से खाली हाथ वापस आ रहे हैं। रास्ते में हैरी ग्लोरिया की खूबसूरती को देखता है। उसे देखकर उसके अंदर काम वासना जागृत होती है। वो ग्लोरिया के साथ कार में ही किस कर बैठता है। ग्लोरिया भी उसका इस चुंबन क्रिया में साथ देती है। इसके बाद हैरी ग्लोरिया से कहता है, तुम बहुत बच्ची हो, इस काम में कैसे आ गई। पर वो ये भी जान चुका है कि फ्रैंक को उसने कार सील की है और फ्रैंक पैसे नहीं देने वाला। जब ये डीलरशिप पहुँचते हैं तब हर्षा इनसे पूछता है कि कार कहाँ है। यहाँ हैरी ग्लोरिया को बचाने के लिए झूठ बोल देता है। वो कहता है कि वो कार नहीं लाए बल्कि पेमेंट ले आए हैं। इस तरह ग्लोरिया को हैरी ने बचा लिया। ग्लोरिया इसके लिए हैरी को शुक्रिया कहती है। कुछ दिनों के बाद हर्षा की वाइफ डॉली कार में आती है। जब वो हैरी को देखती है तब देखकर आकर्षित होती है। वो हैरी से फ्लर्ट मारना शुरू करती है। हैरी जब उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता तब डॉली उसे अपनी कार में बैठने कहती है। वो कहती है कि उसे अपने कुछ पर्सनल काम है। अगली रात को डॉली हैरी को फिर से अपने घर बुलाती है। हैरी जब यहाँ आता है तब डॉली बड़े हिंसक तरीके से हैरी से पेश आती है। दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। डॉली हैरी का मुख मैथुन करती है। हैरी यहाँ कामोत्तेजित होता है। इसके बाद दोनों यहाँ घपाघप करते हैं। इस तरह दोनों अपनी हवस की आग को यहाँ पर बुझाते हैं। हैरी सेल्समैन के काम को करते हुए भी एक बैंक को लूटना चाहता है। इसके लिए उसने सारी प्लानिंग कर ली है। एक घड़ी को उसने एक बिल्डिंग के वेयर हाउस में इस तरह फिट किया है कि जब वो हीट हो जाए तो उससे आग निकले और इस पूरी बिल्डिंग में आग लग जाए। वास्तव में उसकी प्लानिंग काम कर जाती है। इस बिल्डिंग में आग लगती है, उसे बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं। इस बिल्डिंग के ठीक सामने एक बैंक है। बैंक का सारा स्टाफ फिलहाल बिल्डिंग के आग को बुझाने गया है, सिर्फ मैनेजर यहाँ बाहर खड़ा है। मौका पाकर हैरी इस बैंक के अंदर घुसता है। वो वॉशरूम में पानी को ऑन कर देता है। पानी जब बहता हुआ बाहर निकलता है तो मैनेजर को कुछ शक होता है। वो वॉशरूम के अंदर जाता है। हैरी उसे बांध देता है। बांध कर वो चाकू से स्टैब करता है और उसके गले से जो ब्लीडिंग हो रही है उसे रोकने के लिए टिश्यू पेपर लगा देता है। और फिर मौका पाकर उसने यहाँ के सारे पैसे लूट लिए हैं। यहाँ से निकल ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक अंधा आदमी आया है। अंधा आदमी हैरी की आवाज़ सुन लेता है पर उसे देख नहीं सकता। हैरी को भी रियलाइज़ हुआ है कि ये शख्स उसे देख नहीं सकता, ऐसे में वो उसे कभी पहचान भी नहीं पाएगा। इस तरह उसे जिंदा छोड़कर यहाँ से चला आया है। अब वो पहुँचा है उस बिल्डिंग के आगे जहाँ आग लगी हुई है। वो यहाँ वॉलंटेरिली आग को बुझाने में हेल्प करता है। उसे रियलाइज़ होता है कि बिल्डिंग के अंदर कोई शख्स है जो कि आग में फंसा हुआ है। वो बड़ी बहादुरी से बिल्डिंग के अंदर जाता है, उस शख्स को आग से बचाकर बाहर लाता है। ये सब करके वो ये साबित करना चाहता है कि जब आग लगी तब वो बिल्डिंग में आग बुझा रहा था, ऐसे में बैंक में चोरी का इल्ज़ाम उस पर नहीं आएगा। इन सब में हैरी और ग्लोरिया की मुलाकात होती रहती है। ये दोनों पास के लेक में नहाने जाते हैं। नहाने के बाद दोनों साथ में बैठते हैं। ग्लोरिया यहाँ डिस्क्लोज करती है कि आज उसका बर्थडे है। अब तक वो 18 साल की थी पर अब वो 19 की हो गई है। वो हैरी से उसकी उम्र पूछती है। हैरी बताता है कि वो 40 साल का है। यहाँ आपस में बातें करते हैं। ये रियलाइज़ करते हैं कि इनकी उम्र में बहुत ज़्यादा फासला है, पर फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दोनों में कॉमन है। इस तरह दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। शाम को हैरी ग्लोरिया को उसके घर छोड़ने आता है। यहाँ दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इसके बाद दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। हैरी ग्लोरिया के घर के अंदर जाना चाहता है पर ग्लोरिया उसे इनवाइट नहीं करती।
वो बिना उसे इनवाइट किए घर के अंदर चली गई है। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर आया है हैरी को पूछताछ करने के लिए। वो उसे पुलिस स्टेशन में ले जाता है। यहाँ पर वो ब्लाइंड शख्स है जो कि बैंक लूटने के समय आया था। वो हैरी के आवाज़ से उसे पहचान लेता है। अब हैरी को अरेस्ट किया जाना है, तभी डॉली का फ़ोन आता है। वो फ़ोन पर बताती है कि वो इस बात की गवाह है कि हैरी जब आग लगी बिल्डिंग में तब वो वहीं मौजूद थी और उसने हैरी को लोगों को बचाते हुए देखा था, आग को बुझाते हुए देखा था। इस तरह साबित हुआ कि हैरी का उस बैंक डकैती में कोई हाथ नहीं है। मजबूरन पुलिस को छोड़ना पड़ा है हैरी को। डॉली ने हैरी पर यह फेवर तो कर दिया, पर इसके बदले वो उससे काफ़ी कुछ चाहती है। वो उसे अपने आप बुलाती है। दोनों घर के पास यहाँ समंदर किनारे संभोग करते हैं। डॉली जब अपनी वासना की आग को शांत कर लेती है तब वो उसे नहाने के लिए लेक में इन्वाइट करती है। दोनों यहाँ साथ में नहाते हैं। इसके बाद डॉली हैरी को अपने घर ले आती है। यहाँ बातों बातों में कहती है कि वो चाहती है कि हैरी उसके पति जॉर्ज की हत्या कर दे। हैरी कहते हैं कि वो जॉर्ज हर्षा का हत्या नहीं करेगा। डॉली उसे धमकाती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये डिस्क्लोज कर देगी कि बैंक डकैती के समय हैरी आग वाली बिल्डिंग में नहीं बल्कि बैंक में मौजूद था। इस समय हैरी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। हैरी जब अगली बार ग्लोरिया से मिला है तब भी फ्रैंक उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। हैरी बाद में ग्लोरिया से पूछता है कि आखिर फ्रैंक से उसका क्या रिश्ता है। ग्लोरिया यहाँ डिस्क्लोज करती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी आयरिन, उसके साथ उसके समलैंगिक रिश्ते थे। ग्लोरिया और आयरिन के कुछ फ़ोटोज़ हैं फ्रैंक के पास और इन फ़ोटोज़ के ज़रिए वो ग्लोरिया को ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद हैरी फ्रैंक के पास पहुँचा है, वो उसे यहाँ मारना शुरू करता है। दोनों में यहाँ घमासान लड़ाई होती है, पर अंत में गलती से हैरी के द्वारा फ्रैंक की हत्या हो गई। अब हैरी इस हत्या को छुपाना चाहता है, इसके लिए उसने एक तरकीब निकाली है। वो पुलिस को ये दिखाता है कि फ्रैंक ने उसके डीलरशिप से कार खरीदी, वो भी नहीं। ये साबित करके वो ये साबित कर देता है कि बैंक की डकैती में फ्रैंक का हाथ है। फ्रैंक ने बैंक से डकैती की और उन पैसों से उसके यहाँ आकर कार खरीदी। बदले में पुलिस भी हैरी को रिवॉर्ड देती है इस केस को सॉल्व कराने में हेल्प करने के लिए। इधर हम डॉली को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से परेशान हो चुकी है। वो किसी भी तरह उसे मार देना चाहती है। अब हैरी तो उसकी बात सुन नहीं रहा, उसने खुद ही अपने पति को मारने की प्लानिंग की है। वो संभोग के बहाने जॉर्ज हर्षा को अपने बेड पर लिटाती है। इसके बाद उसे यहाँ बांध देती है। डॉली को अच्छी तरह पता है कि जॉर्ज की दिल की धड़कनें बहुत कमज़ोर हैं, वो कभी भी मर सकता है इनसे। इसके लिए उसने उसके साथ संभोग करना शुरू किया है। वो जॉर्ज के साथ इतना संभोग करती है कि जॉर्ज हार्ट अटैक से मर जाता है। इस तरह इस हत्या का इल्ज़ाम भी उस पर नहीं आता। इधर हैरी ने ग्लोरिया के साथ भागने की प्लानिंग कर ली है। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ग्लोरिया इसे एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों इसके बाद अपने हवस की आग को शांत करते हैं। दोनों ने इस शारीरिक सुख का आनंद लेने के बाद अब एक प्लानिंग की है। दोनों शादी करेंगे और हमेशा के लिए कैरिबियन आइलैंड चले जाएंगे। पर इधर डॉली को हैरी के इस प्लानिंग की खबर लग चुकी है। वो ग्लोरिया और हैरी दोनों को अपने यहाँ बुलाती है। दोनों जब यहाँ पहुँचते हैं तब डॉली हैरी को एक ख़त पढ़ने को देती है। इस ख़त में ये साफ साफ लिखा है कि बैंक की डकैती में, बैंक मैनेजर को हिट करने में और साथ में फ्रैंक की हत्या में हैरी का हाथ है। डॉली हैरी को ये लेटर पढ़ने को देती है। हैरी इस समय चुपचाप है। तभी डॉली यहाँ ग्लोरिया से ये रिवील करती है कि उसका और हैरी का अफेयर चल रहा है। ये जानकर ग्लोरिया का दिल टूट जाता है, वो यहाँ से चली जाती है। हैरी जब ग्लोरिया को यहाँ से जाते देखता है तब वो काफ़ी गुस्सा होता है और डॉली को मारना शुरू करता है। डॉली कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं चाहूँ तो तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। हैरी उस पर और भी गुस्सा होता है। उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि ऐन मौके पर उसके हाथ रुक जाते हैं। वो इस समय समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे। अगर वो डॉली के पास रहता है तो ग्लोरिया उसे नहीं मिलने वाली, और अगर वो ग्लोरिया के पास जाता है तो हो सकता है उसे जेल जाना पड़े। इस तरह उसने डॉली के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। डॉली यहाँ हैरी से संभोग की इच्छा जाहिर करती है। इसके बाद दोनों यहाँ पैशनेटली संभोग करते हैं। इस तरह दोनों ने अब इस जगह को छोड़कर कैरिबियन आइलैंड जाने की प्लानिंग कर ली है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।